Hello everyone, welcome to our channel Hack the Web. Please like, share and subscribe. तो continue करते हैं structures in C. Let's go. हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे array of structures. तो first read करते हैं कि क्या लिखा है. So an array of structures in C can be defined as the collection of multiple structure variables, where each variable contains information about different entities. The array of structures in C are used to store information about multiple entities of different data types. The array of structures is also known as the collection of structures. So, array of structures असली में क्या लिखा है? वो मैं बता देती हूँ. सो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, और जहाँ पे वो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जो हैं वो जो भी मेरे एंटिटीज हैं उनके इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. ठीक है, द एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वो इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल एंटिटी स्टोर करता है, मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करता है, और उसे हम कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. सो लेट्स गो कोडिंग सेक्शन में और कंटिन्यू करते हैं. तो हम वापस से एक नया कोड लिखेंगे. सो आज हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. ठीक है, स्ट्रक्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन यही होता है उसका, कि जो स्टूडेंट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, क्लास एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो डेटा को स्टोर करने के लिए. तो आज हम वही एक एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट, मेरा स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, जिसमें मैं एरे ऑफ कैरेक्टर्स में नेम स्टोर करूँगी 50, रोल नंबर मेरा ये होगा, और क्या क्या होता है, मार्क्स, मार्क्स भी स्टोर कर दूँ, फ्लोट में मार्क्स स्टोर करती हूँ. ठीक है, और यहाँ पे मेरा आएगा सेमी कोलन. अब मैं वेरिएबल्स को स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, ठीक है, तो पहले मैं सिर्फ ये लिखूंगी एंटर दी नेम और रोल नंबर, नेम कॉमा रोल, ठीक है, भी पूरा रोल नंबर और क्या है, मार्क्स. ठीक है, और एंट्री लेंगे हम स्कैनफ फंक्शन से. परसेंटेज ये देखना पड़ेगा क्या क्या है. रोल नंबर, ओके, नेम का मैंने परसेंटेज एस लेना है, फिर परसेंटेज डी लेना है रोल नंबर का, और परसेंटेज एफ लेना है मार्क्स का. ठीक है, कॉमा एस डॉट नेम, एंड एस डॉट रोल नंबर, एंड एंड एस डॉट मार्क्स. ओके, मार्क्स ही सेव किया था, ओके, एंड यहाँ पे सेमी कोलन. ठीक है, सो प्रिंट एफ, ये एक्चुअल में क्या है, मैं चलो अगर जैसे मेरे को इधर ही वन डाल देती हूँ, इधर वन,
अगर मुझे 3 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, मैं दो तरीके बताऊंगी। पहला तरीका तो ऐसे है, जैसे नहीं हम प्रिंट स्टेटमेंट में जैसे 5 बार मेरे को भाप्या प्रिंट करना है, राइट, तो मैं 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगी। सॉरी, 5 बार भाप्या प्रिंट करूंगी। या तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं फॉर लूप लगा दूंगी, राइट, 0 to 5 फॉर लूप में मैं प्रिंट करा दूंगी 5 बार भाप्या, राइट। तो पहला मैं नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट से करूंगी और फिर मैं आपको इससे भी बता दूंगी, राइट। ये हो गया, और अभी इधर चेंज करना है। इधर S2 आएगा, इधर S2, इधर भी S2 आएगा, ठीक है। इधर S3, 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 और फिर अब मैंने प्रिंट प्रिंट एफ में डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और अब मैंने प्रिंट स्टेटमेंट डालना है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट में परसेंटेज एस, फिर मैं टैब का यूज करूंगी, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, ठीक है। और ये हर एक नए नए लाइन पे आना चाहिए। इधर एस डॉट नेम होगा, कॉमा S1 डॉट रोल नंबर होगा, कॉमा S1 डॉट मार्क्स होगा। और अभी इसे 3 बार कॉपी करते हैं, कॉपी। और इधर हम 2 डाल लेंगे, और यहाँ पे 3। ठीक है, अभी हम एंटर द नेम, रोल नंबर इज 210 और मार्क्स 95, ठीक है। फिर एनरोल, उसका रोल नंबर 180 एंड मार्क्स 90, एंड रोल नंबर इज आमिर, एंड रोल नंबर इज 5। ज़्यादा लेना है तो फिर वो भी ले लेते हैं, 500 ले लेते हैं, और उसका 97। सो भव्या 210, 95, अनिरुद्ध 10, एंड दिस एंड दिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ मैंने प्रिंट कर दी है। सो स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ये तो मैंने 3 बार प्रिंट किया है, वो भी प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करके। अब बिना प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करे अगर हमें सेम चीज़ करनी है, कॉपी कर दिया, ठीक है, सेम, ओके, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये गया। तो यहाँ पे हमें जैसे कि 5 या 10 10 स्टूडेंट्स 10 डाल दिए, ठीक है। तो प्रिंट प्रिंट एफ एंटर दी डिटेल्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे फॉर लूप यूज करके, फॉर इंट आई 0 से i <= 10, यहाँ पे मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, 10 डाल सकती हूँ। यहाँ पे अगर मैंने 100 डाल दिया, राइट,
और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5 ही डाल दिया, चलो ठीक है। आई को इंक्रीमेंट किया, फिर प्रिंटेफ, पहले मैंने नेम डलवा रही हूँ, एंटर नेम, स्कैन, ओके। कॉपी पेस्ट, और नेम डलवा रही हूँ, ठीक है। फिर प्रिंट एफ में रोल नंबर, वेरी टीडियस जॉब। कॉपी, और क्या है ये, एंटर द रोल नंबर में रियली वेरी टीडियस जॉब मैम। ओ S1 क्यों आ रहा है भाई? अच्छा S डाला है मैंने, इसलिए S1 आ रहा है, ठीक है। फॉर वो हर एक 0 1, ठीक है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है ना, तो उसमें स्टोर करेगा। कॉपी पेस्ट, और अब मैंने मार्क्स एंटर करवाना है, ठीक है। ठीक है, सब में डाल दिया था ना। हाँ अरे ये भी रहेगा, अब मैं प्रिंट करा दूंगी। डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट फॉर एंड आई आई लेस देन 5, पेस्ट इधर 1 हटा के, और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में नेम, रोल, मार्क्स, ठीक है, ये प्रिंट होगा। सो आई गेस पूरा हो चुका है फॉर्मेट, ठीक है। अच्छे से फॉर्मेट भी कर दिया है। अब रन करते हैं। एस नेम, ओ उधर नहीं डाला क्या, इधर आए तो डाला ही नहीं। छोटा आए, छोटा आए भाई। क्योंकि फॉर लूप चला रहे हैं ना, और वो हमने स्टोर भी तो एरे में किया है, ठीक है। सो एंटर द नेम भाव्या, एंटर रोल नंबर 210, और मार्क्स 95। अनिरुद्ध, एंटर रोल नंबर उसका 150 था, और इधर 80 था, 90 था, 90 था, ठीक है। अमिर, और उसका था 500, और 97 था। फिर थर्टी वन 78 टेलर 450 लेते थे, 90, ओके।
सो नेम, रोल नंबर, मार्क्स सबके आ गए हैं. नेम भाव्या, अनिरुद्ध, आमिर, रमा, टेलर, 210, 150, 531, 450, ये सब रोल नंबर्स हैं और ये सब मार्क्स है. इसकी जो प्लेसिंग है ये दोनों के बीच में, रोल नंबर और मार्क्स के बीच में जो प्लेसिंग है वो हम यूजिंग टैब फंक्शन, हम टैब फंक्शन के दिस शॉर्टकट वी कैन इजिली. अभी देखते हैं. लेकिन ये मेरे को वापस से डिटेल्स आनी पड़ेगी. 5 की जगह 3 कर देती. 2 कर देती. यहाँ पे भी 2. और रन हो गया 450, 197. ठीक है. 590. ओके. सो ये एक टैब कम डालती तो वो सीधा मार्क्स के नीचे आता, जस्ट लाइक नेम और रोल नंबर है. ठीक है, तो ऐसे हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. हमने फॉर लूप यूज़ करके देखा और डायरेक्टली जैसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट होते हैं वो यूज़ करके हमने देखा. तो ये था एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. कोई कोड समझ में नहीं आया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. और अगर आपको ये पावर पॉइंट के नोट्स चाहिए तो आपको कंसेप्चुअल नोट्स लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में, जिसमें कोड नहीं आएगा. कोड के लिए आपको रेप्लेट नोट्स लिखना पड़ेगा. और अगर आपको दोनों चाहिए तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा. ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देख पूछ सकते हो. और अगर इससे पहले ये जो है वो पिछले स्ट्रक्चर के वीडियो से कनेक्टेड है तो आपको अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा है सिंटैक्स तो आप पिछला लेक्चर भी देख सकते हो और प्लेलिस्ट आराम से आप एक्सेस कर सकते हो. तो उसमें मैंने सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से सिखाए हैं और आप उसे देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो. और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी, हर एक क्वेश्चन, हर एक जो भी हमने सीखा है वो कोडिंग करके ही सीखा है. हमने कोई ना कोई क्वेश्चन करके ही सीखा है. और फिर प्लस हमने अलग से क्वेश्चंस के वीडियोस भी बनाए हैं जिसमें हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, स्ट्रक्चर्स में भी हम करेंगे क्वेश्चन. आज जो हमने क्वेश्चन किया, 2 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने स्टूडेंट्स की डिटेल्स और उनका मार्क्स प्रिंट करवाया था, वो भी एक क्वेश्चन में आता है. ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, पूछिएगा. और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एवरीवन.